स्टूडेंट्स, सो जैसे हम आपके CHSL के पेपर्स के सोल्यूशन कर रहे हैं, आपके जो ऑलरेडी हम February 8 के जो लास्ट शिफ्ट है उसके हम रीजनिंग एंड इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन ऑलरेडी हम सोल्यूशन कर चुके हैं, आज आपके लिए उसी पेपर का इंग्लिश सेक्शन लेके आए हैं। तो जैसे आपका पेपर मैंने पहले भी बताया है, हर हर एक बार मैं बताती हूँ आपको कि जो आपके क्वेश्चन के पैटर्न है बिल्कुल ही सेम रहते हैं। ऑनली डिफरेंस होता है कि वहाँ पे क्या है, जैसे वोकैबुलरी का क्वेश्चंस उसमें जितना आता है वैसे ही यहाँ पे भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस ही आते हैं, एंड उससे ऊपर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आया था, ठीक है, और उसका सोल्यूशन हम करेंगे, डिटेल सोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड बताया गया है कि सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो मिस स्पेल्ड वर्ड भी बहुत बार आपको पूछा जाता है SSC में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रूचेस, ओके, ब्रूचेस, ब्रूचेस हमारा करेक्ट स्पेलिंग है, राइट। तो ये ब्रूचेस, जैसे हम बोलते हैं ब्रूच, राइट, जैसे ब्रूच एक ऑर्नामेंट होता है जो हम पहनते हैं किसी क्लोथिंग पे लगाते हैं, जो ब्रूच बोलते हैं जिसको, उसी का प्लूरल फॉर्म क्या है, ब्रूचेस, ओके, दैट इज एन ऑर्नामेंट, ब्रूच, ब्रूच का प्लूरल है ये, एंड ब्रूच का मतलब क्या होता है, एन ऑर्नामेंट दैट इज फर्सन टू ए क्लोथिंग, ठीक है, फर्सन टू ए क्लोथिंग, ओके। नेक्स्ट लीनोलीम, वैसे तो आपका करेक्ट आंसर ब्रूचेज ही रहेगा क्योंकि इसका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, लेकिन फिर भी बाकी आपके वॉकेबुलरी के लिए हम क्या करेंगे, हम बाकी बाकी जो आपका ऑप्शंस दिया गया है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो लीनोलीम, लीनोलीम ये स्पेलिंग नहीं होता, इनफैक्ट आपका जो स्पेलिंग होना चाहिए वो होना चाहिए था लीनोलियम, ओके। लीनोलियम का मतलब क्या है, ये एक फ्लोर कवरिंग है, ठीक है, ये फ्लोर कवरिंग मटेरियल है जो कैनवस एंड लिनसिड ऑयल एंड फिर जो हमारे कॉर्क है, पाउडर्ड कॉर्क, उससे बनता है, ठीक है। तो बेसिकली एक फ्लोर कवरिंग मटेरियल है, तो इसका होना चाहिए लिनोलियम ना कि लिनोलीन, ओके। तो ये होना चाहिए, ये होता है आपका एक फ्लोर कवरिंग मटेरियल, ओके। नेक्स्ट आपका है लाइम काइम, ओके। तो लाइम कीम, इसका मतलब होना चाहिए था आपका स्पेलिंग जो होना चाहिए था LIMEKILN, इसका मतलब होना चाहिए था लाइम का क्लीन, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन का मतलब क्या होता है जी, कि जहाँ पे एक फर्नेस होता है, जहाँ पे लाइम स्टोन्स को हम बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस क्विक लाइम, राइट, तो वही होता है लाइम क्लाइन, ओके। तो यही होना चाहिए था आपका करेक्ट स्पेलिंग, ओके, एक क्लीन टू बर्न लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस क्विक लाइम, ओके, यही आपका मीनिंग होता है लाइम क्लीन का। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेरुबिक, ओके, चेरुबिक, तो इसका जो स्पेलिंग होना चाहिए था वो होना चाहिए था चेरुबिक, ओके। अब चेरुबिक का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट या फिर जो प्लम फेस होता है, जैसे चाइल्ड का, एक बच्चे का फेस कैसा होता है, बहुत ज्यादा इनोसेंट या फिर उसका फेस जो प्लम्प होता है, वैसा अगर किसी का हो, किसी का फेस वैसा लगे तो हम बोलेंगे चेरुबिक, ओके, चेरुबिक अपियरेंस, ओके, इसका मतलब होता है हैविंग द इनोसेंस और प्लम प्रीटीनेस ऑफ ए चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पे आपका करेक्ट तो ब्रूचेस ही होगा क्योंकि यही हमारा करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सारे गलत है, ओके। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम ऑफ फ्रेज, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक फ्रेज दिया गया है, एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ ए समथिंग, ठीक है। तो कि जो आउटलाइन रिप्रेजेंट करते हैं और किसी शेप को बाउंड करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेसरी,
कॉन्टर, डूडल या फिर पैटर्न? डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्टर. कॉन्टर क्या होता है? कॉन्टोर इटसेल्फ इज एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग. तो कॉन्टर का मतलब ही यही होता है कि आउटलाइन. ठीक है, आउटलाइन जो होते हैं बाउंड, एक शेप या फिर फॉर्म को जो बाउंड करते हैं, दैट इज ओनली नोन एज कॉन्टोर. ओके, अब ट्रेसरी, बाकी तो आपका आंसर नहीं होगा, बट फिर भी हम देख लेते कि इनके मीनिंग्स क्या है. ठीक है, तो ट्रेसरी का मतलब है कि ऑर्नामेंटल, कुछ ऑर्नामेंट जैसा है, लेकिन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क. ओके, ऑर्नामेंटल लाइक नेटवर्क. ओके, जैसे नेक्स्ट आपका है कॉन्टोर. ओके, नेक्स्ट आपका है डूडल. डूडल का मतलब क्या है कि स्क्रिबल करना एक बहुत ही एब्सेंस माइंड में. ठीक है, स्क्रिबलिंग समथिंग, स्क्रिबल एब्सेंट माइंडेडली. ठीक है, एब्सेंट माइंडेडली जब आप स्क्रिबल करते हैं, उसका उसका मीनिंग होता है डूडल. ओके, नेक्स्ट पैटर्न. पैटर्न का मतलब तो पता ही है कि कोई सा भी पैटर्न, कुछ भी हम अगर करते हैं, ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज पैटर्न. इन फॉर्म ऑफ लाइक रिपीटेटिव थिंग्स इज नोन एज पैटर्न. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, 278 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन द सेंटेंस. इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सिलेक्ट नो एरर. ठीक है, तो एरर कहाँ पे है? ठीक है, तो आप जो ऑप्शन है वहाँ पे क्या है, दैट सून एज ही सॉ द पुलिसमैन ही रन अवे. ठीक है, तो सून एज ही, या फिर आपका यहाँ पे एज सून एज नहीं होना चाहिए था, इनफैक्ट क्या होना चाहिए था, एज सून एज. राइट, एज सून एज ही सॉ द पुलिसमैन ही रन अवे. तो यही आपका एरर है, यहाँ पे एज मिसिंग है, ए एज मिसिंग है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कहाँ पे एरर है, ऑप्शन नंबर ए पे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, रीअरेंजमेंट है. रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, वी आर टोल्ड दैट इट्स, इट्स क्या हो सकता है, इट्स क्रिएटिंग ए फंक्शनल, ये तो नहीं हो सकता. आइदर पी होगा, इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नहीं ये नहीं होगा, तो आइदर आर होगा. तो पी एंड आर में से ही होना चाहिए, दोनों को पुट करके देखते हैं कि कौन सा सही बैठेगा बैठेगा. राइट, इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये गलत है. नेक्स्ट, इट्स सोल पर्पस इज द नोबल गोल ऑफ, तो यही होना चाहिए. राइट, तो इसके बाद आना चाहिए आर, इट्स सोल पर्पस इज द नोबल गोल ऑफ क्रिएटिंग ए फंक्शनल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो आपका जो आंसर होना चाहिए था वो होगा आर क्यू एंड पी. ओके, योर करेक्ट आंसर वुड बी आर क्यू एंड पी. क्लियर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग. ठीक है, फिर से मिसस्पेल्ड वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लैमेंटेड. ओके, लैमेंटेड का स्पेलिंग ये नहीं होता, इनफैक्ट ये होता है LAMENTED. लैमेंटेड, लैमेंटेड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, अगर इफ़ यू फील सोरो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोरो फील करना होता है, लैमेंट करना, या फिर यू फील लाइक क्राइंग. राइट, दैट इज नोन एज लैमेंटेड. ओके, नेक्स्ट स्कैबर्ड. स्कैबर्ड इज द करेक्ट स्पेलिंग. ये इसका मतलब क्या होता है, स्कैबर्ड का मतलब वो होता है कि एक शीट ऑफ ब्लेड, जो जहाँ पे आप शॉर्ट को रख सकते हैं या फिर डैगर को रखना, एक शीट जो होता है, या फिर जो जहाँ पे आप एक शॉर्ट या फिर डैगर को रखते हैं, दैट इज नोन एज स्कैबर्ड. ओके, ए शीट फॉर द ब्लेड ऑफ ए शोर्ड और डैगर. ठीक है, जैसे हम लेडर से, जैसे एक कवरिंग जैसा होता है. राइट, एक कवरिंग जैसा होता है कभी कभी स्वॉर्ड या फिर डैगर का, तो उसी को हम बोलेंगे बोलते हैं स्कैबर्ड. ओके, स्कैबर्ड. ओके, इट इज स्पेशली मेड ऑफ, मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज मेड ऑफ लेडर. ओके, इट इज मेड ऑफ लेडर और मेटल. ओके, नेक्स्ट ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस का स्पेलिंग ये नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ऑर्डिनेंस का जो स्पेलिंग होना चाहिए वो होना चाहिए ORDINANCE. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस का मतलब है एक ऑथोरिटेटिव ऑर्डर, एन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर. ओके, नेक्स्ट है आपका सिनाप्टिक.
जो सिनेप्टिक का स्पेलिंग ये नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ये होना चाहिए SYNAPTIC. इसका मतलब है रिलेटेड टू सिनेप्स, राइट? जो हमारे सिनेप्स होते हैं उससे अगर रिलेटेड होता है दैट इज नोन एज सिनेप्टिक. ओके, नेक्स्ट. In the following sentence, question is sentence has been given in direct and in or indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the ones which best expresses the same sentence in indirect or direct speech. So basically, direct से indirect लेके जाना है या फिर indirect से direct लेके जाना है, ठीक है? तो change the speech speech है तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो ये आपका direct speech है तो direct speech को क्या करना पड़ेगा? Indirect करना पड़ेगा, ठीक है? To Gokul said to Sumit dash comma inverted comma star why did you not attend why did not you attend the meeting yesterday, ठीक है? तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एक तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव में से टू की जगह कौन आएगा? आस्ट आएगा. तो हाँ, सभी में आपका आस्ट है तो ये चलो ये तो सही है. नेक्स्ट क्या होता है कि वाई से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी कंजंक्शन नहीं चाहिए तो वाई से ही स्टार्ट हुआ सभी में, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि वाई He why did not you attend, right? Did not attend, ये क्या है? ये आपके सिंपल पास्ट टेंस है या फिर हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, राइट? तो पास्ट परफेक्ट अगर करेंगे तो इसका मतलब डिड नॉट अटेंड है तो हैड नॉट अटेंडेड होना चाहिए, राइट? तो ये हम असर्टिव में लेके जाते हैं तो ही पहले आएंगे, ठीक है? तो डिड नॉट अटेंड तो आपका नहीं हो सकता, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे भी डिड नॉट अटेंड नहीं हो सकता तो हैड नॉट अटेंडेड दोनों ही सही है, ठीक है? फिर उसके बाद द मीटिंग है तो द मीटिंग होना चाहिए ना कि दैट मीटिंग. दिस होता तो दैट मीटिंग होता तो ये तो गलत है. आपका आंसर जो है वो यही होना चाहिए. अब येस्टरडे है तो द डे बिफोर होना चाहिए तो ये भी सही है. तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. गोकुल आस्क्ड सुमित व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द मीटिंग द डे बिफोर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम ऑफ फ्रेज, ठीक है? जो ईडियम ऑफ फ्रेज को बेस एक्सप्रेस करे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू लूज वंस हेड. अब टू लूज वंस हेड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब आप जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, राइट? एंड यू कैनॉट थिंक विद योर हेड, यू एक्ट इमोशनली, यू एक्ट कन्फ्यूज, दैट इज नोन एज टू लूज वंस हेड. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू लूज रेस्पेक्ट विद इन योर कम्युनिटी, नो ये नहीं होगा. टू बिकम कम्प्लेसेंट एंड ग्रेजुअली वर्सन योर परफॉर्मेंस, नो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट, टू बिकम कन्फ्यूज और ओवरली इमोशनल अबाउट समवन और समथिंग, यही होता है टू लूज वंस हैड. ओके, टू लूज सेंस ऑफ स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन लुनेटिक, नो ये भी नहीं होता. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज, ठीक है? तो ये फ्रेज का सब्स्टिट्यूशन बताना है या फिर इस ये जो मीनिंग बताते हैं ये सेंटेंस, ये कौन से वर्ड डिस्क्राइब करेंगे? ए पर्सन फेमस एंड रेस्पेक्टेड विद इन ए पर्टिकुलर स्पीयर. ए पर्सन जो फेमस है एंड वो जो रेस्पेक्टेबल है, ठीक है? तो उसको हम कौन से वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे? टू एमिनेंट. एमिनेंट का मतलब ही होता है दैट इज समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट या फिर समवन हु इज फेमस एंड रेस्पेक्टेड विद इन ए पर्टिकुलर स्पीयर. तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो डेफिनेटली एमिनेंट होगा. अब देखते हैं बाकी वर्ड्स के भी डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमारे जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग बन जाए, ठीक है? तो ऑब्स्क्योर. ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अननोन. अगर किसी चीज को आप नहीं जानते देन यू कैन से ऑब्स्क्योर, राइट? अननोन या फिर अनसर्टेन, ठीक है? नेक्स्ट, डेस्पोटिक. डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है? डेस्पोटिक का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी समवन हु इज वेरी यू कैन से टायरनिकल या फिर क्रूएल जो होता है या फिर यू कैन से ऑटोक्रेटिक जो होता है दैट इज नोन एज डेस्पोटिक. ओके, ऑटोक्रेटिक या फिर टायरनिकल. नेक्स्ट, इम्परेटिव. इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? जिसका इम्पोर्टेंस हो, राइट? और वाइटल इम्पोर्टेंस जो हो या फिर जो क्रूशियल हो दैट इज नोन एज इम्परेटिव, राइट? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज एमिनेंट. ओके, एमिनेंट मीन्स ए पर्सन दैट इज फेमस एंड रेस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्पीयर. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस. तो यहाँ पे चेंज द वॉइस है. ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी शैल इनवाइट सुरेश, राइट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, सुरेश. ओके नेक्स्ट क्या है, शैल. शैल इनवाइट होता है तो इसका मतलब मैंने पहले भी बताया है आपको, शैल अगर होगा तो, या फिर शैल या फिर फ्यूचर टेंस का कोई भी वर्ब होता है या फिर मॉडल कोई सा भी होता है तो उसके साथ बी लगता है, ठीक है. तो शैल की जगह अब सुरेश है तो ही है तो विल आएंगे, राइट. तो विल ही आना चाहिए, वुड वाला तो डेफिनेटली गलत है क्योंकि टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है. तो यहाँ पे शैल शैल से वुड नहीं हो सकता, शैल से आइदर विल या फिर शैल ही होना चाहिए, तो ये दोनों तो गलत है, राइट. नेक्स्ट विल बी इन्वाइटेड एंड विल हैव बीन इन्वाइटेड. अब कौन सा सही होगा, पहले भी मैंने बताया कि बस बी एक लग जाता है साथ में, तो विल शैल इन्वाइट के साथ विल बी इन्वाइटेड, राइट. तो यही आपका करेक्ट फॉर्मेशन होगा, ये आपका गलत फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे वी शैल इनवाइट सुरेश, इसका मतलब होगा सुरेश विल बी इनवाइटेड बाय अस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है. सिलेक्ट द एंटोनीम, एंटोनीम मतलब ऑपोजिट पूछा गया है, एंटोनीम ऑफ एमिनेबल. ओके अब एमिनेबल का मीनिंग क्या है, अब एमिनेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है समवन दैट इज वेरी इजीली परसुएडेड या फिर कंट्रोल. ओके समवन दैट इज वेरी इजीली इजीली परसुएडेड और कंट्रोल, ठीक है. जो बहुत ज़्यादा आप किसी को बहुत ज़्यादा जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, परसुएड कर लेते हैं जल्दी से, दैट इज नोन एज एमिनेबल. ओके नेक्स्ट तो इनके एंटोनिम क्या होगा कि जिसको आप परसुएट कर ही नहीं पाते हो, ठीक है, या फिर किसी को जो आपको कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो, राइट. उसको आप मतलब कुछ भी आप बोल लो बट वो अपना माने मतलब आपका मानेगा ही नहीं, राइट. नहीं तो आपके ऑप्शंस क्या है, रेस्पॉन्सिव. रेस्पॉन्सिव मतलब को जो आपको रेस्पॉन्ड करे, देन ये तो नहीं होगा, राइट. क्योंकि इजिली परसुएडेड एंड वो रेस्पॉन्ड करेगा तो डेफिनेटली ये नहीं होगा. तो ऐसा होगा होना चाहिए जो आपको रेस्पॉन्ड नहीं करे, ठीक है. तो प्लायबल, प्लायबल का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबल. तो फ्लेक्सिबल अगर वो बंदा फ्लेक्सिबल है तो आपको आपके बात तो सुनेगा, राइट. नेक्स्ट क्या है, डोसाइल. डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिव. सबमिसिव अब अगर एक बंदा सबमिसिव है तो डेफिनेटली आपकी जो बात है वो तो डेफिनेटली सुनेगा, राइट. तो ये तो नहीं होगा. नेक्स्ट है अनसस्सेप्टिबल. तो अनसस्सेप्टिबल का मतलब क्या है कि कोई अगर आप उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाओ, that is known as unsusceptible. Okay, that is, cannot be influenced, not likely, if not liable to be influenced, not likely to be influenced. ठीक है. तो available का मतलब होता है कि influence करना किसी को, लेकिन unsusceptible का मतलब है कि influence नहीं कर पाना, ठीक है. Not likely to be influenced. ठीक है. तो यही आपका ऑपोजिट वर्ड होगा, ठीक है. क्योंकि किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना, ठीक है. तो यही आपका करेक्ट करेक्ट एंटोनिम होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ टू सब्स्यूम. ओके टू सब्स्यूम का सिनोनिम आपको बताना है. सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग, ठीक है. अब सब्स्यूम का मतलब क्या होता है, टू इंक्लूड. टू इंक्लूड करना होता है टू सब्स्यूम. ओके तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है टू बेट. अब बेट का मतलब होता है टू बी इन एन एंग्री मूड. ओके टू बी इन एन एंग्री मूड. ओके नेक्स्ट क्या पूछा गया है, टू ऑब्विएट. ओके टू ऑब्विएट. अब टू ऑब्विएट का मतलब है टू रिमूव, राइट. टू रिमूव जो होगा दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्विएट. ओके टू रिमूव. ओके टू रिमूव. ओके अब ये तो टू इंक्लूड है एंड ये टू रिमूव है, तो ये डेफिनेटली ये इनका क्या हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, सिनोनिम नहीं हो सकता, राइट. नेक्स्ट क्या है, प्रेक्लूड. प्रेक्लूड का मतलब है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है. प्रेक्लूड का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. ओके तो ये भी नहीं होगा डेफिनेटली. इनकॉर्पोरेट. इनकॉर्पोरेट का मतलब ही होता है टू इंक्लूड, राइट. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टू इनकॉर्पोरेट. क्योंकि टू सब्स्यूम का मतलब ही टू इंक्लूड होता है, टू इनकॉर्पोरेट का भी मतलब होगा इंक्लूड. क्लियर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. आई प्रेफर ब्लैक कॉफी ओवर कैपुचिनो. प्रेफर, प्रेफर के साथ क्या होता है गाइस? प्रेफर के साथ आपका आंसर होना चाहिए टू. क्लियर? बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं कि टू ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, प्रेफर के साथ ओवर नहीं आता. तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, दैट इज टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स. फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेंटेंस. एंड इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सिलेक्ट नो एरर. ठीक है, तो एरर कहाँ है? ओके, यू मस्ट नॉट लुक डाउन इन टू पेरेंट्स एडवाइस. ओके, अब यहाँ पे यू मस्ट नॉट लुक डाउन इन टू, मतलब आपको आपके पेरेंट्स के एडवाइस पे, एडवाइस को लुक डाउन नहीं करना चाहिए. तो लुक डाउन इनटू, इनटू ये नहीं होगा, इनफैक्ट क्या होगा? इनफैक्ट यहाँ पे आपका होना चाहिए लुक डाउन ऑन. लुक डाउन ऑन का मतलब है कि नहीं मानना. ठीक है, जो नहीं मानना होता है दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ लुक डाउन ऑन. ठीक है, तो यू मस्ट नॉट लुक डाउन ऑन पेरेंट्स एडवाइस. ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लुक डाउन ऑन होना चाहिए, ना कि इनटू. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द प्रीस्ट एग्रीड टू आंसर ऑन क्वेश्चंस ऑन थियोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? द प्रीस्ट एग्रीड टू आंसर ऑन क्वेश्चंस. नहीं होता टू आंसर क्वेश्चन, सीधा ही हम बोलते हैं राइट. टू आंसर क्या करेंगे? आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे. तो उसके लिए आपके प्रीपोजिशन ऑन की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑन नहीं होना चाहिए था. तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, दैट इज टू आंसर क्वेश्चंस ऑन थियोलॉजी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ टू लैश. अब लैश का मतलब क्या होता है? लैश का मतलब होता है टू हिट समवन, राइट? लैश का मतलब होता है किसी को मतलब हिट करना. ठीक है, किसी को मारना, हिट समवन. ठीक है, अब टू एंडियर. टू एंडियर का मतलब क्या है? एंड डियर, डियर से आया. तो किसी को जैसे हम मतलब अगर लव करें या फिर लाइक करें, दैट इज ओनली नोन एज एंडियर. ठीक है, कॉज टू बी लाइक और लव्ड. ओके, कॉज to be liked or loved. Okay? तो इसका सिनोनिम चाहिए हिट करना. अब लाइक एंड लव थोड़ी ना हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम होगा. तो फॉन्डल, फॉन्डल का मतलब क्या है? केयरिस करना. ठीक है, बहुत मतलब केयर करना किसी का. ठीक है, दैट इज नोन एज फॉन्डल. तो ये भी नहीं होगा, राइट? ये भी आपके एंटोनिम बनेंगे. तो चेस्टाइज, चेस्टाइज का भी मतलब होता है किसी को स्कोल करना या फिर रिव्यू करना, किसी को हिट करना. ठीक है, उसी का मतलब होता है चेस्टाइज. ओके, ओके, सीवियरली. नेक्स्ट टू स्नगल. स्नगल में भी एक जैसे कंफर्टेबल पोजीशन में कंफर्टेबली रहना या फिर कंफर्टेबली लाई डाउन करना, दैट इज ओनली नोन एज स्नगल. ठीक है, लाई डाउन इन ए कंफर्टेबल पोजीशन. ठीक है, स्नगल का मतलब होता है लाई डाउन इन ए कंफर्टेबल पोजीशन. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी सब क्या है? एंटोनिम है. ओनली एक ही आपका सिनोनिम है जो होगा टू चेस्टाइज. ओके, तो उसका मतलब है स्कोल या फिर रिब्यूक सीवियरली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स इज टू बी फिल विद एन अप्रोप्रिएट वर्ब. सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शंस. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अरुण्स फाइनेंशियल डैश हैज हेल्प्ड हिम अर्न ए फॉर्चून ऑन द स्टॉक मार्केट. तो डेक्सटरिटी, रेडीनेस, एक्सपर्टाइज एंड नेक. तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक्सपर्टाइज. एक्सपर्टाइज मतलब किसी चीज में एक्सपर्ट होना, उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज, है ना? तो वही होगा आपका एक्सपर्टाइज, राइट? अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते कि डेक्सटरिटी का मतलब क्या है. तो डेक्सटरिटी का मतलब होता है कि स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क. ओके, स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क. ओके, तो ये होता है डेक्सटरिटी का मीनिंग. तो ये नहीं होगा. अरुण फाइनेंशियल स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क, नो. फाइनेंशियल क्या? एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट होना, ये स्किल है. ठीक है, लेकिन ये एक्सपर्टाइज है, उसका एक्सपर्ट है वो. ठीक है,
नेक्स्ट रेडीनेस का मतलब तो आप सबको बताए कि रेडीनेस का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस, ठीक है, रेडी रहना, ठीक है, कुछ कुछ भी काम करने के लिए, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है, नैक. नेक नेक का मतलब होता है टेंडेंसी टू डू समथिंग, ठीक है, कुछ चीज करने का मतलब जो टेंडेंसी होता है, राइट, नेक ऑफ समथिंग, ठीक है, ए टेंडेंसी टू डू समथिंग, दैट इज नोन एज नेक. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए एक्सपर्टाइज, ना कि कोई डेक्सटेरिटी, एडिनेस या फिर टैक. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक, और तो सेम क्वेश्चन है, फिलर के क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है. तो द फ्यूल सप्लायर्स विल डैश द नेशनल ऑयल शॉर्टेज बाय रेजिंग प्राइसेस टू इंक्रीज योर बॉटम लाइन, ठीक है. अब विल यूज द नेशनल ऑयल शॉर्टेज बाय रेजिंग प्राइसेस टू इंक्रीज योर बॉटम लाइन, नो. मिस यूज, हाँ हो सकता है, लेकिन वेंचर, वेंचर भी नहीं होगा. एक्सप्लॉयट, अब देखिए एक्सप्लॉयट करेंगे या फिर मिस यूज करेंगे, मिस यूज तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन एक्सप्लॉयट ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट है, क्योंकि क्या एक्सप्लॉयट का मतलब क्या है, यूज भी करेंगे लेकिन मतलब इन ए ग्रेटर अमाउंट, ठीक है. तो यहाँ पे आपका होना चाहिए एक्सप्लॉयट, विल एक्सप्लॉयट द नेशनल ऑयल शॉर्टेज बाय रेजिंग प्राइसेस टू इंक्रीज योर बॉटम लाइन्स, ओके. नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट एंटोनीम ऑफ टू मस्टर, ओके. मस्टर, मस्टर का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट, राइट, टू मस्टर स्ट्रेंड, टू कलेक्ट होता है, टू कलेक्ट होता है मस्टर, राइट. तो एंटोनीम आपको बोलना है, टू कन्वोकेट, कन्वोकेट का जैसे हम बोलते हैं कन्वोकेशन, तो मतलब बहुत इन ग्रुप्स को जैसे हम बुलाना, ठीक है, तो ये भी कलेक्शन ही हो गया, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा. टू रैली, रैली भी कैसे हम कलेक्ट, मतलब कलेक्ट, एक ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं फॉर ए रैली, लाइक फॉर ए कॉमन कॉज जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा, ये भी आपका कैसे हो सकता है. इसका भी मतलब होता है टू कलेक्ट, इसका भी मतलब होता है टू कलेक्ट. टू एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज का मतलब है किसी से दूर जाना, ठीक है, किसी से एनिमी, मतलब किसी से टॉकिंग टर्म्स में नहीं रहना, तो दिस इज ओनली द योर करेक्ट ऑप्शन, टू एस्ट्रेंज होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे एस्ट्रेंज का मतलब होता है टू एलियनेट. एग्रीगेट का मतलब भी कलेक्ट ही होगा, तो डेफिनेटली आपके एंटोनिम क्या होगा, एलियनेट, एंड बाकी तीनों आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट आपका है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट अ ऑल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम ऑफ फ्रेज हेड ओवर हिल्स, ओके, हेड ओवर हिल्स. तो इस फ्रेज का आपको बताना है कि सही क्या होगा. तो यहाँ क्या है, टू थिंक विद हेड इंस्टेड ऑफ हर, नो. नेक्स्ट, टू रन अवे फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ही अहम बोल द ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विथ हर, राइट. इसका मतलब है क्या कि टू बी मैडली इन लव, यही होना चाहिए. टू टेक एन एसटी फॉर, ये भी नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू बी मैडली इन लव, ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विथ हर, यही बोलते हैं, तो इसका मतलब ही इज मैडली इन लव विथ हर, ओके. नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, सो इंक्रीजिंगली पेइंग टू प्रोवाइड, ये तो नहीं होगा. फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा. द पोर हैव बीन, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो जिसमें आर सबसे पहले नहीं है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए. बाकी दोनों देखते, द पोर हैव बीन, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं होगा, तो इसके बाद पेइंग ही आना चाहिए, तो यही होना चाहिए, राइट. सो इंक्रीजिंगली द पोर हैव बीन पेइंग टू प्रोवाइड रेवेन्यूज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स, ओके. तो आप बेसिकली फिलर क्वेश्चंस है, लेकिन इन अ पैराग्राफ फॉर्म. द सिनेरियो दैट्स ड्रामेटिकली टुडे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, चेंज ड्रामेटिकली टुडे, हैड चेंज, तो डेफिनेटली नहीं होगा, हैड चेंज. अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं, परफेक्ट अभी हुआ है, राइट, लेकिन ये प्रेजेंट में ही है, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, हैज चेंज, ओके. योर करेक्ट ऑप्शन विल बी हैज चेंज, ओके, हैड चेंज टुडे, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, चेंज टुडे, we have the dash of powerful internet monopolies, okay, we have the dash of powerful internet, okay, emerging, नहीं,
अब देखो नाउन होना चाहिए यहाँ पे, तो एमर्जिंग डेफिनेटली नहीं होना, एमर्ज और पावरफुल नहीं भी नहीं होगा, ये वर्ब है राइट, एमरजेंस यही होगा राइट, यही आपका करेक्ट होगा कि वी हैव द एमरजेंस ऑफ पावरफुल इंटरनेट मोनोपोलीज, ठीक है, एमरजेंसी ये भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एमरजेंस, ठीक है, एमर्ज का नाउन हमें चाहिए तो एमरजेंस होता है वो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सेम, तो नेम we have the emergence of powerful internet monopolies that are much bigger dash the telcos that are much bigger than the telcos, to than ka spelling kya hota hai, ye definitely aapka nahi hota, then ye hum use karte jab after samjhana ho, theek, next aapka hona chahiye than, theek hai, than than, to aapka correct answer hoga than, then that is option number 2, theek hai. next question dekhte hain yahan pe kya hai, ki we have a okay, not surprisingly these companies now see the dash of monopoly, the kya hoga, the virtues respectability trust and innocence, to respectability nahi hoga, trust bhi nahi hoga, innocence bhi nahi hoga, to hoga aapka answer virtues, kya bol rahe hain yahan pe, ki virtues, ye monopoly ki jo virtues hai usko hum dekh pa rahe, right. next kya hai, they would like to combine with telcos to create monopolies for their platforms, ensuring that they control the future of the internet and freeze their competition out, right? Freeze out का मतलब क्या है, कि exclude कर दे उनकी जो competition है उनको, exclude करना, freeze out का मतलब ये होता है exclude करना, right? तो आपका जो correct option होना चाहिए वो होना चाहिए freeze आउट, यहाँ पे क्या मीनिंग होना चाहिए, एक्सक्लूशन, ठीक है, तो फ्रीज आउट का मतलब है टू एक्सक्लूड, ठीक है, तो वही है यहाँ पे, तो फ्रीज या कंपटीशन आउट, क्लियर, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फ्रीज आउट, ओके. आई होप ये जो सेक्शन है आपको, आपका जो सोल्यूशन हमने दिया है और अभी, तो ये क्लियर है. अगर कोई सा भी डाउट है किसी भी चीज़ में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट टू अस, ओके. अगर कोई भी, अगर नहीं समझ में आ रहा किसी चैप्टर में आपका डाउट है, यू कैन गो टू थ्रू आर लेक्चर्स, वहाँ पे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा. एंड ऑल्सो आपको जितने सारे पेपर है, जैसे आप CHSL के लिए प्रिपेयर करें, तो आपको जब जो पुराने पेपर्स है उसको सॉल्व करना चाहिए, सारे जो पेपर्स है वो आपको हमारे blog.reducation वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहिए, आपके प्रिपरेशन करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, हम बहुत ही जल्दी दूसरे पेपर्स का भी सोल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे, ओके. तो ऑल द बेस्ट पीपल एंड सी यू सून.